सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो, सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो, उठो चलो। कलियुग के इस कलियुग का है अंत निकट आया, संधि काल इन युगों युगों का अब समीप आया, साधना के महापर्व को साथ है लाया। सभी दर्शकों के लिए एक सूचना, कल से हमारा यह धर्म संवाद रात्रि 9 बजे की जगह पर शाम को 7 बजे से होगा। कृपया सभी दर्शक इस बात की नोंद लें। सभी को प्रणाम। जगतगुरु भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में कृतज्ञता पूर्वक वंदन करता हूँ। सनातन संस्था एवं हिंदू जनजागृति समिति द्वारा आयोजित धर्म संवाद इस विशेष कार्यक्रम में मैं गुरुराज प्रभु आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। धर्म संवाद में पितृपक्ष के निमित्त हमारी विशेष मालिका चल रही है। पश्चिमी देशों में माता पिता के सम्मान के लिए वर्ष में एक बार मदर्स डे और फादर्स डे ऐसे दिन मनाने पड़ते हैं, परंतु भारत में माता पिता का केवल सम्मान ही नहीं, उनकी संतानें उनकी निरंतर सेवा भी करती हैं। और इतना ही नहीं, माता पिता अथवा अन्य परिजनों की मृत्यु के उपरांत उनकी अगली यात्रा निर्विघ्न रूप से हो, इसलिए प्रतिवर्ष पितृपक्ष में श्राद्धादि विधि भी किए जाते हैं। श्राद्ध केवल कर्मकांड नहीं, एक धर्म विज्ञान कैसे है, यह हम इस मालिका से समझ कर लेंगे। साथ ही साथ श्राद्ध से जुड़े आपके प्रश्न और सोशल मीडिया द्वारा हो रहा दुष्प्रचारों का भी हम इस मालिका के माध्यम से उत्तर देंगे। आइए आज के धर्म संवाद का हम प्रारंभ करते हैं। हमारा सौभाग्य है कि पितृपक्ष एवं श्राद्ध इस विषय में मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ पूजनीय नीलेश सिंह बाजी उपस्थित हैं। पूजनीय नीलेश सिंह बाजी नमस्कार। आज के धर्म संवाद को आरंभ करने से पूर्व हम पूजनीय नीलेश सिंह बाजी का परिचय समझ कर लेते हैं। आप समुद्री जहाज निर्मित क्षेत्र के अभियंता हैं। आपने सनातन संस्था के मार्गदर्शन में साधना कर संत पद प्राप्त किया है, अर्थात आप आध्यात्मिक क्षेत्र के अधिकारी संत भी हैं। आप पूर्णकालीन रूप से हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार का कार्य कर रहे हैं और इसी कार्य हेतु आप निरंतर प्रवास करते हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र का अनुभव आपके पास है। हमारा सौभाग्य है आज उनका मार्गदर्शन हम सभी को मिलने वाला है। तो आइए आज के हम प्रश्न पूजनीय नीलेश जी से पूछते हैं। पूजनीय नीलेश जी, जैसे आपने कल हमें भगवान दत्तात्रेय का नामजप के बारे में बताया, तो भगवान दत्तात्रेय के नामजप का लाभ होने की शास्त्रीय प्रक्रिया क्या है, यह भी आप हम सभी को समझाइए। जी, जब हम पितृदोष निवारण के लिए श्री गुरुदेव दत्त का नामजप करते हैं, तब भगवान दत्तात्रेय का चैतन्य हमारी ओर आकर्षित होता है, इसलिए हमें विभिन्न प्रकार के लाभ होते हैं। जैसे हमारे स्थूल देह एवं सूक्ष्म देह के चारों ओर सुरक्षा कवच निर्माण होता है, जिससे हमारे पितरों द्वारा निर्माण की गई बाधाओं का निवारण होता है। दूसरा, हमारे पितरों का हमारे साथ जो लेन देन है वो चुकाने में सहायता होती है, जिससे उनका हम पर होने वाला दुष्प्रभाव जो है वो घट जाता है। उसके बाद हमारे पितरों की भूवरलोक से मुक्ति की यात्रा सुगम होने में सहायता होती है। किंतु यहाँ पर ध्यान रखने योग्य बात यह है कि जप का जो लाभ है वो जप करने वाले के आध्यात्मिक स्तर पर और जप की संख्यात्मक एवं गुणात्मक मात्रा पर निर्भर करता है। जी पूजनीय नीलेश जी, तो भगवान दत्तात्रेय का ये जो नाम जप है वो हमें कितना करना चाहिए और कब करना चाहिए, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे। अवश्य, पितृदोष निवारण हेतु हम श्री गुरुदेव दत्त का जप कष्ट की तीव्रता के अनुसार प्रतिदिन करें। हमें श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, इस प्रकार उनका जाप करना चाहिए।
उत्तम यही होगा कि हम ये जप प्रतिदिन प्रातःकाल में करें, जिससे पूरे दिन आध्यात्मिक रूप से हमारी रक्षा होगी। इसके उपरांत पूरा दिन हम अपने कुल देवता अथवा इष्ट देवता का जप कर सकते हैं। यदि किसी को पितरों का कष्ट नहीं भी है अथवा अल्प मात्रा में है, तो भगवान दत्तात्रेय का जप 1 से 2 घंटे करें, जिससे ऐसे कष्टों से भविष्य में बच सकते हैं। यदि यह आध्यात्मिक कष्ट मध्यम प्रकार के हों, तो पितृदोष निवारण के लिए 2 से 4 घंटे जप करें, और यदि कष्ट की तीव्रता ज़्यादा हो, तीव्र कष्ट हो, तो पितृदोष निवारण के लिए श्री गुरुदेव दत्त ये जो जप है वो 4 से 6 घंटे हमें करना आवश्यक है। जी पूजनीय नीलेश जी, आपके मार्गदर्शन से पूर्वजों के कष्ट के निवारण हेतु बहुत ही सरल उपाय हम सभी को समझ में आया। अनेकों को लगता है कि हम पितरों का प्रतिदिन स्मरण करते हैं, उनके तिथि पर समाचार पत्रों में विज्ञापन भी देते हैं, फिर भी यह जप करना आवश्यक है क्या, ये भी आप हम सभी को बताइए। एक बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा हुआ है। पितरों का स्मरण कर घर में उनका छायाचित्र लगाकर अथवा समाचार पत्र में छायाचित्र छपवा कर उनके ऋण से हम मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि ये सभी कर्म हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ एक मानसिक स्तर के कृत्य होते हैं। ऐसे कर्म करके हम पितरों को हमारी ओर आकर्षित करते हैं और उनके आगे के प्रवास में बाधा ही उत्पन्न करते हैं। धर्मशास्त्र के अनुसार धार्मिक विधि, श्राद्ध इत्यादि करने से तथा भगवान दत्तात्रेय का नाम जप करने से ही पितरों को वास्तविक गति मिलती है और हम उनके ऋण से कुछ मात्रा में मुक्त हो पाते हैं। जी पूजनीय नीलेश जी, आजकल एक जो प्रचार हो रहा है उस विषय में हम आपसे जानना चाहेंगे कि यह प्रचार किया जाता है कि श्राद्ध विधि पर जो कुछ भी व्यय होता है उसके स्थान पर हमें दान धर्म करना चाहिए, तो क्या श्राद्ध करने के स्थान पर गरीबों को दान धर्म करना यह उचित है क्या? यह भी एक अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। यहाँ पर हमारे हिंदुओं के त्यौहार और उत्सव और धार्मिक विधियों के समय में धर्म विरोधी लोग जानबूझकर दुष्प्रचार करते हैं आजकल। ऐसे समय में श्राद्ध विधि न कर किसी सामाजिक संस्था अथवा अनाथालय को अनाज आदि दान में देना चाहिए, इस प्रकार के आह्वान उनके द्वारा किए जाते हैं। गुरुदेव डॉक्टर काटे स्वामी जी ने अत्यंत मार्मिकता के साथ इसका खंडन किया है। वे कहते हैं कि श्राद्ध विधि को केवल दान धर्म मानने का अर्थ है रोग के अनुरूप उपाय न होना। ऐसी स्थिति है, श्राद्ध विधि का अर्थ शास्त्रोक्त पद्धति से मंत्र सहित संपूर्ण श्रद्धा के साथ की गई विधि है। बिना श्राद्ध किए भावनावश होकर दान देने से पूर्वज संतुष्ट नहीं होते हैं, क्योंकि उस दान का फल पूर्वजों को तो नहीं मिलता है। श्राद्ध विधि नहीं किए तो अतृप्त पूर्वज रक्त प्राशन करते हैं और उससे शारीरिक दोष उत्पन्न होकर उसका परिणाम संतान पर होता है। इसमें एक श्लोक है, अतर्पिता पितरः रुधिरं पिबन्ति, अर्थात जिनका श्राद्ध नहीं किया जाता वे अतृप्त पूर्वज श्राद्ध न करने वालों का रक्त पीते हैं। पूर्वज ही रक्त के अधिष्ठात्री देवता है। शास्त्र के अनुसार श्राद्ध आदि विधि न करने से रक्त में अति सूक्ष्म दोष उत्पन्न होते हैं। रक्त दोषों के कारण वीर्य दुर्बलता आने से संतान दुर्बल होना, अपंग होना और विविध रोगों से ग्रसित होती है। श्राद्ध कर्म से मृत पूर्वजों के सूक्ष्म देह को शक्ति मिलती है। मृत्यु के पश्चात पूर्वजों की वायु रूप सूक्ष्म देह में जीव जो है वो सूक्ष्म देह एक प्रकार से यातना देह होता है, इसके साथ परलोक गमन करता है। वो प्रेत रूप और अशरीरी होता है, उसको शरीर नहीं होता है, अर्थात उसे देह नहीं होती है। उसे नई देह प्राप्त हो इसके लिए ही श्राद्ध क्रिया करना आवश्यक है। श्राद्ध केवल मृत्यु लोक की कक्षा भेदने हेतु उपयोगी होता है,
परंतु उसके आगे जीव केवल साधना के बल पर ही आगे की योनि में प्रवेश कर सकता है। इससे साधना का महत्व भी हमारे ध्यान में आता है। जी, तो जैसे आपने धर्मद्रोहियों के द्वारा हो रहा दुष्प्रचार के बारे में बताया, वैसे ही इन अनेक बार एक बात ये भी प्रचारित की हुई दिखती है कि श्राद्ध विधि, ये ब्राह्मणों को दान भोजन आदि सब करवाना, यह एक ब्राह्मणों का ही स्वयं के हित के लिए एक रचा हुआ षड्यंत्र है, ऐसा भी प्रचारित हो रहा है। तो ऐसे में कोई निर्धन व्यक्ति है जिसे श्राद्ध करना संभव नहीं है, तो बिना दान दिए, बिना ब्राह्मण भोज किए, ये अपने पितरों की मुक्ति के लिए क्या कर सकता है, ये हम जानना चाहेंगे। हिंदू धर्मशास्त्र की विशेषता ये है कि वो संपत्ति काल यानी अच्छे समय पे तथा आपातकाल में दोनों स्थिति में कैसे धर्माचरण करें, इसका मार्गदर्शन करता है। इतना ही नहीं, हमारे धर्मशास्त्रों में धनी व्यक्ति से निर्धन व्यक्ति तक सभी का विचार किया गया है। यदि व्यक्ति के पास धन है तो पितरों के निमित्त ब्राह्मण भोजन कराया जा सकता है। गरुड़ पुराण में मान्यता है कि पितृगण भोजन के नहीं अपितु श्रद्धा के भूखे होते हैं। वे इतने दयालु होते हैं कि यदि श्राद्ध करने के लिए पास में कुछ भी न हो तो दक्षिण दिशा की ओर मुख करके आंसू बहा देने पर भी वे तृप्त हो जाते हैं। यदि कोई बहुत ही गरीब हो तो वो केवल पितरों का स्वरूप स्मरण करने से उनको पुत्र और पौत्र का हव्य प्राप्त हो जाता है। दान भोजन करवाने में असमर्थ मनुष्य यदि निर्जन अरण्य में जाकर हाथ उठाकर ऊंचे स्वर में भावपूर्वक कहता है, हे पितरों, मैं निर्धन और अन्नहीन हूँ, मुझे पितृ ऋण से मुक्त कीजिए, ऐसा कहने पर भी श्राद्ध करने का पुण्य प्राप्त होता है। किंतु एक बात हमें ध्यान में रखनी आवश्यक है कि शास्त्रों में यह भी विधान है कि पितृपक्ष में व्यक्ति को पूर्ण ब्रह्मचर्य, शुद्ध आचरण और पवित्र विचार रखने चाहिए। परंतु आजकल हम क्या देख रहे हैं, आजकल लोग मोबाइल हो, सिनेमा हो, अपने गाड़ी में घूमने के लिए हो, या होटलिंग के लिए, या टूर में जाना आदि मौज मस्ती के लिए हजारों लाखों रुपयों को खर्च करते हैं, और पितरों की मुक्ति के लिए श्राद्ध करवाने के समय पर अन्य पर्याय का विचार करेंगे, तो ये तो अनुचित हुआ ना। धर्मशास्त्रों में व्यक्ति की पारिवारिक स्थिति तथा भौगोलिक स्थिति की मर्यादाएं ध्यान में रखकर उपायात्मक पर्याय बताए गए हैं। इसका मूल कारण ये है कि सामान्य से सामान्य जन में भी कोई भी इन विधियों से वंचित न रहें, ये सर्व समावेशक विचार हमारे हिंदू धर्म में किया गया है। इससे यह हम सभी को स्पष्ट हुआ होगा कि प्रत्येक हिंदू अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध कर सकता है और करना आवश्यक भी है। जी, पितृदोष से संबंधित कुछ प्रश्न हमारे दर्शकों ने भी पूछे हैं। उसी में से एक प्रश्न यह है कि पूर्वजों का कष्ट सभी को हो सकता है, किंतु जिन्होंने गुरु मंत्र लिया है उन्हें भी कुलदेवी अथवा पूर्वजों के कष्टों से मुक्ति के लिए श्री गुरुदेव दत्त का जप करना आवश्यक है क्या? ये प्रश्न बहुत सारे जन पूछते हैं। यदि आपने गुरु मंत्र लिया है तब भी कलयुग में आप पूर्वजों के कष्टों से मुक्ति के लिए श्री गुरुदेव दत्त ये जाप कर सकते हैं। गुरु मंत्र से हमारे आध्यात्मिक उन्नति होती है और श्री गुरुदेव दत्त के जाप से पूर्वजों के कष्टों से निवारण होता है। दत्त भगवान के नाम जप में पूर्वजों के कष्ट दूर करने की अधिक क्षमता है। यदि हम दत्तात्रेय भगवान का जाप ना करते हुए केवल गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे तो गुरु मंत्र के साधना से प्राप्त ऊर्जा पूर्वजों के कष्ट के निवारण में व्यर्थ जा सकती है। इस कारण दत्त भगवान का नाम जप कुछ समय के लिए तो करना ही चाहिए तथा गुरु मंत्र दिन भर करें। आपने गुरु मंत्र के साथ कुलदेवी का जप करना चाहिए क्या, ऐसे भी आपने पूछा हुआ है। वास्तव में कुलदेवी की उपासना पूर्ण होने पर
गुरु हमारे जीवन में आते हैं। यदि आपको गुरु मंत्र के साथ कुल देवी का जाप करना आवश्यक लगता है और उससे आनंद भी मिल रहा है तो आप अवश्य कुल देवी का भी जप करें। इससे कुल देवी की कुछ उपासना शेष अगर बची हो तो वो भी पूर्ण होगी। यदि आपको गुरु मंत्र के जाप से ही प्रगति की अनुभूति हो रही है तो कुल देवी का जाप करने की आवश्यकता नहीं है। हम गुरु मंत्र के संदर्भ में कभी और विस्तार से भी समझ लेंगे। तो आज के लिए आपके प्रश्न का मैं यही उत्तर दूंगा जी। और एक प्रश्न ऐसा था कि पितरों के छायाचित्रों से प्रार्थना करने पर क्या उनका आशीर्वाद हमें मिल सकता है? परिवार में से किसी की भी मृत्यु होने पर संपूर्ण घर के सदस्य दुखी तो हो जाते हैं। मृत व्यक्ति के साथ घर के लोगों का लगाव और प्रेम होता है। उन्हें लगता है कि उनके कारण मैं अच्छी स्थिति में हूँ। इसलिए लोग मृत व्यक्ति का स्मरण रखने के लिए उनके छायाचित्र को घर में या अपने कार्यालय में लगाते हैं और सभी को उस छायाचित्र से लगाव हो जाता है। और कुछ दिन के उपरांत घर के समारोह के समय या त्यौहार के समय उस छायाचित्र का भी पूजन इत्यादि चालू हो जाता है। आगे वे उनके छायाचित्र को ही पूजना प्रारंभ करते हैं तथा उनसे प्रार्थना करने लगते हैं। परंतु शास्त्र के अनुसार ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए, यह हमें जानना आवश्यक है। शास्त्र के अनुसार छायाचित्र अर्थात रूप के साथ शब्द, रस, गंध एवं शक्ति कार्यरत रहती है। इसी कारण उस चित्र में हमें वो जीवित लगते हैं। यदि पितरों को गति ना मिली हो तो वो भूवर लोक में अटक जाते हैं। परंतु यदि हम उनके फोटो को ही अपने घर में लगा कर रखेंगे तो उस रूप के कारण वे आगे मुक्ति की दिशा में न जाते हुए पुनः अपने परिवार की माया में अटक जाते हैं। इस प्रकार हम ही उनकी अगली यात्रा में एक प्रकार से बाधा निर्माण करते हैं। इस कारण उन्हें कष्ट होता है तथा उनसे प्रक्षेपित होने वाले नकारात्मक जो स्पंदन है वो भी कार्यरत होने लगते हैं। घर के वातावरण को मृत व्यक्ति के छायाचित्र के द्वारा आने वाले नकारात्मक स्पंदन दूषित करते हैं। पितरों का आशीर्वाद चाहिए तो स्वयं के मन के अनुसार न करते हुए शास्त्र के अनुसार श्राद्ध करें या उनके लिए जो बताई हुई जो शास्त्रोक्त जो विधि है वो करें तथा श्री गुरुदेव दत्त जाप हमें अवश्य करना चाहिए और ये कर उन्हें भूवर लोक से मुक्त करते हुए उनके अगले प्रवास में सहायता हमें करनी चाहिए। उसी से उन्हें संतुष्टि मिलती है जी। एक प्रश्न हम आपको त्रिपिंडी श्राद्ध से संबंध में पूछना चाहेंगे, क्या त्रिपिंडी श्राद्ध घर पर किया जा सकता है? जी नहीं, ये त्रिपिंडी श्राद्ध ये जो विधि है ये हमें पवित्र तीर्थ क्षेत्र में करने से अधिक लाभ होता है। इस विधि में हमें सूतक का पालन भी करना चाहिए। इस कारण त्र्यंबकेश्वर, गया, रामेश्वरम, गोकर्ण ऐसे तीर्थ क्षेत्र में त्रिपिंडी श्राद्ध करने के लिए शास्त्रों में बताया हुआ है जी। धन्यवाद पूजनीय नीलेश जी, हम आपके प्रति कृतज्ञ हैं। पितृपक्ष के निमित्त आपने श्राद्ध के विषय में हम सभी को बहुत ही अच्छी और उपयुक्त जानकारी दी। समाज में फैली भ्रांतियों का भी आपने उचित समाधान आज किया है। अगले धर्म संवाद में हम श्राद्ध से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए भी आपका मार्गदर्शन लेंगे। दर्शकों, इसी के साथ हम आज के धर्म संवाद को यहीं पर विराम देते हैं। आज के इस कार्यक्रम संबंधी आपके कुछ सुझाव हैं या कुछ प्रश्न हैं तो वो भी अवश्य फेसबुक के कमेंट बॉक्स में या फिर यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक अवश्य पहुंचाएं। साथ ही पितृपक्ष, श्राद्ध तथा मृत्यु और मृत्यु के उपरांत की जाने वाली विधियों के विषय में विस्तृत जानकारी के लिए आप सनातन संस्था द्वारा प्रकाशित ग्रंथों का भी अवलोकन कर सकते हैं। यह ग्रंथ सभी के लिए sanatanshop.com इस संकेत स्थल पर उपलब्ध है। भगवान श्री कृष्ण जी की असीम कृपा से आज का यह विशेष धर्म संवाद
संपन्न हुआ है ऐसे मैं घोषित करता हूँ। नमस्कार सभी दर्शक, पुनः एक बार इस बात की ओर ध्यान दें कि 10 सितंबर यानी कल से हमारा धर्म संवाद यह विशेष कार्यक्रम रात्रि 9 बजे की अपेक्षा शाम को 7 बजे से प्रसारित किया जाएगा। हिंदू जनजागृति समिति के धर्म प्रचारक संत पूजनीय नीलेश सिंहबाल जी, इनके द्वारा सनातन संस्था के नए ऐप श्राद्ध का लोकार्पण हुआ है। यह ऐप मराठी, हिंदी, अंग्रेजी तथा कन्नड़ इन भाषाओं में उपलब्ध है। अब हम देखेंगे इस ऐप की कुछ विशेषताएं। श्राद्ध के विषय में शास्त्रीय जानकारी देने वाले लेख, श्राद्ध के संबंधी विविध वीडियोस, भगवान दत्तात्रेय पर आधारित लेख, दत्तात्रेय देवता का नामजप ऑडियो। तो आज ही डाउनलोड कीजिए श्राद्ध का ये ऐप। गूगल प्ले स्टोर पर ये ऐप बिना मूल्य उपलब्ध है।